नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल जिले हर पलकों में। मैं शिव कुमार प्रजापति आज लाया हूँ एक्साइटिंग वीडियो खंडी के बारे में। खंडी जो वाटरफॉल्स है वो एक नहीं बल्कि काफ़ी सारे झरने हैं, और ये जो खंडी है ये लगभग 80 किलोमीटर है पुणे से, और कान्हे फाटे से जो आते हो तो लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है खंडी पॉइंट, और 15 किलोमीटर खाने से आपको झरने ही झरने दिखेंगे। पहले आपको जगतप वाटरफॉल आएगा और उसके बाद में काफ़ी सारे झरने आपको मिलेंगे, आगे भी हम आप ये वीडियो में आपको दिखाएंगे। दोस्तों, अभी हम पहुँचे हैं इंद्रायणी नदी के पुल के पास। ये नदी जो है 5 किलोमीटर की दूरी पर है कान्हे फाटा से, और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए बेस्ट लोकेशन है। और यहाँ से अभी हमें जगतप वाटरफॉल जाना है, और ये है जगतप वाटरफॉल्स। जगतप वाटरफॉल कान्हे फाटा से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है। जगतप वाटरफॉल्स प्राइवेट प्रॉपर्टी है और इसमें ओनली फैमिलीज के लिए एंट्री है। ये वाटरफॉल्स में प्रवेश करने के लिए शुल्क भी लगता है, एडल्ट्स के लिए 150 रुपये है और बच्चों के लिए 100 रुपये है। पहले है 100 रुपये था एडल्ट्स के लिए, अभी इसका टिकट जो है वो बढ़ा दिया गया है। और इसमें पार्किंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जगतप वाटरफॉल्स में चेंजिंग रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसमें पहले कैंटीन की सुविधा थी, अभी कोरोना के दौरान कैंटीन की फैसिलिटी बंद किया गया है। दोस्तों, जब भारी बारिश होती है तब जगतप वाटरफॉल्स को विजिट कीजिए, बहुत ही मस्त व्यू लगता है। और ये है जगतप वाटरफॉल्स, और इस वाटरफॉल्स का मज़ा लीजिए। बारिश थोड़ी कम है इसलिए आपको झरना यहाँ पे थोड़ा कम दिख रहा है। इसका जो आर्किटेक्ट है थोड़ा भूसी डैम जैसे बनाया है, यहाँ पे कॉन्क्रीट स्टेप देख सकते हो जो बैठ के नहा सकते हैं, और एक आर्टिफिशियल टैंक है। और यहाँ पे बच्चों को देख सकते हो मस्ती करते हुए। जगतप वाटरफॉल से 2 मिनट की दूरी पर और एक वाटरफॉल से, जिसे माव वाटरफॉल्स कहते हैं। इसके पास जाने के लिए एक तार रोड है, उस तार रोड से इसके नज़दीक जा सकते हैं। यह बहुत ही सुंदर झरना है। ये मेरे पीछे वाटरफॉल्स आप देख सकते हो। ये जगतप वाटरफॉल से 2 मिनट की दूरी में ये पहला झरना है।
नेचर से कनेक्ट होना है तो खंडी जो जगह है वो सबसे बेहतरीन जगह है। जगताप वाटरफॉल से लेके खंडी तक ये रोड बहुत ही जबरदस्त है। दोस्तों कहते हैं कि ट्रैवलिंग इज अबाउट जर्नी नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, और ये इस जगह को काफ़ी फिट बैठती है। यहाँ पर आप एक लॉन्ग ड्राइव का मज़े ले सकते हो। चारों ओर ग्रीनरी ग्रीनरी है, काफ़ी सारे खेत हैं और यहाँ की फसल जो है वो धान की है। और राइट साइड में थोकरवाड़ी का बैक वाटर्स आप देख सकते हो और बाईं ओर पे वाटरफॉल्स ही वाटरफॉल्स हैं। एक नहीं दो नहीं, काफ़ी सारे वाटरफॉल्स, काफ़ी सारे झरने आप देख सकते हो। यहाँ से आप एक ही समय के आसपास के पहाड़ों पर तीन बड़े झरने देख सकते हैं। Searching, pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Then we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do it.
what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you. We died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard. I'm hiding every card. A royal flush of love. You never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad. I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. बेंडेवाड़ी वाटरफॉल्स के पीछे भी आप जा सकते हो। यहाँ से एक छोटा सा रास्ता है जहाँ से इसके पीछे भी आप पहुँच सकते हो और पीछे से भी इसका नज़ारा देख सकते हो, इसकी आवाज़ सुन सकते हो। बहुत ही खूबसूरत है। काफ़ी लोग इस जगह पर आते हैं पिकनिक मनाने के लिए। आपको पूरा एक दिन का समय देना पड़ेगा अगर इस जगह का आनंद लेना है तो। अभी हम झरने के पीछे आए हैं, तो पीछे से आपको वीडियो से दिखा रहे हैं। काफ़ी लोग इस झरने पे आते हैं। बहुत ही सुंदर झरना है। आप अपने दोस्तों या फैमिली के साथ यहाँ पर आ सकते हो। आप अपने साथ पैक फूड ला सकते हो या नहीं तो खाने की सामग्री ला सकते हो और यहाँ पे खाना भी।
पे एक वाटरफॉल्स आप देख सकते हो जो खंडी वाटरफॉल्स है। ये पानी का झरना, ये वाटरफॉल्स आप देख सकते हो। यहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी है, काफ़ी सारे गांव हैं जो रोड को कनेक्ट होते जाते हैं जैसे जैसे जाते हैं आगे। लालवाड़ी हो, बेंडेवाड़ी हो, खांडी है। अभी यहाँ पे आप बादल देख सकते हो, ये पॉइंट है खंडी पॉइंट, यहाँ पे लोग आते हैं, फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट। लेकिन फॉग की वजह से क्लियर नहीं है। और ये आप बादल देखो, आसमान में बादल, काले बादल, और बारिश, जम के बारिश गिरने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो मैं आगे भी लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।